महानगर के पैनलेगंज स्थित वाटर पार्क में मंगलवार को लक्ष्मीकांत डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक अग्रवाल ने प्रेस वार्ता आयोजित किया। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए लक्ष्मीकांत डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक अग्रवाल ने कहा कि उप श्रमायुक्त गोरखपुर AK सिंह द्वारा पद का दुरुपयोग कर गैर कानूनी तरीके से मुझे विवश कर अवैध रुपए वसूली किया गया है। ऐसा नहीं करने पर मुझे क्षति पहुंचाने की बात कही जा रही है। उन्होंने बताया कि मैं अपने पूरे साक्ष्यों के साथ उप श्रम आयुक्त से मिले। इस दौरान उन्होंने मुझसे सीधे रिश्वत की मांग की, कहा नहीं तो पेनाल्टी ब्याज लगाकर काफी नुकसान पहुंचा दूंगा। दीपक अग्रवाल ने कहा कि मुझसे अवैध रुपए मांगने के संबंध में उप श्रम आयुक्त महोदय की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है, जिस रिकॉर्डिंग का उन्होंने मीडिया से साझा किया। वहीं दूरभाष के जरिए उप श्रम आयुक्त से बात करने पर उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि दीपक अग्रवाल के फार्म के ऊपर काफी पैसे बाकी हैं, उसी पैसे को कम करने के लिए या मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे जो मैंने नहीं किया। इसी बात को लेकर वह मेरे ऊपर इस तरह के गलत आरोप लगा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लक्ष्मीकांत डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक अग्रवाल और वहीं दूरभाष पर बात करते हुए उप श्रम आयुक्त AK सिंह ने कहा, आदेश किए थे क्या करना है? हाँ देखिए, मैं उनको दिखाया था जो उनका वाले में था, उनसे मैं सबका रेट काफी कम किया था उस दिन, बताए होंगे जो आते हैं आपके वो। हाँ, उनका तो जो 18,500 था तो आपको 1750 वाले में किए थे, उनका 14,500 था, वो सब घटाए घटा दिए। तो उनसे भी देखिए हमारी हुई थी, तो उसी कार्यक्रम के, लेकिन आप तक मैं और नीचे कर देगा रेट के हिसाब से, तो एक और कर देंगे। उन्होंने कहा था कितना पीछे वाले से 7-8 लाख रूपए घटा रहा हूँ, कर लिए। हाँ, उसको तो मैं कल कर दूंगा। ठीक है, तो अब कल कर लिया तो मैं जाऊंगा एक जगह, अगर टाइम से आया तो मैं करिएगा पहुँचा जाऊंगा, और यहाँ अभिनंदी को भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। 1,050,000 रुपये मेहरबानी। अगर आपका आदेश हुआ तो पूरा कर दिया, बाकी आप निश्चिंत रहे, 2 लाख आपको दे कम से कम 4-5 लाख का नीचे जमा कराइए सर, मैक्सिमम मैंने बोल दिया ना। ठीक है, नहीं कल तो छुट्टी है ना, परसों भेज देंगे, परसों आप 10 के आसपास हमारा वापसी का उसी हिसाब कर दीजिए। दीपक कुमार अग्रवाल, ये श्रम विभाग के उपायुक्त हैं AK सिंह, उनकी भ्रष्टाचार के और रिश्वतखोरी के मामले में ये पूरे शहर के सारे व्यापारी और बिल्डरों को फर्जी नोटिस देकर मनमाने तौर पे नोटिस दे रहा है, और एविडेंस और साक्ष्य नहीं दे रहा है, कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर रहा, सबसे रिश्वत की मांग कर रहा है। जो रिश्वत नहीं दे रहा है उसके ऊपर पेनल्टी ब्याज जोड़ के डिमांड जारी कर दे रहा है, उनको कापी भेज दे रहा है कि आप पैसा नहीं जमा करेंगे तो RC काट के भेज दूंगा, आप इतना रुपया जमा करेंगे जेल जाएंगे। कोरोना काल में मई के स्टार्टिंग महीने में इन्होंने एक नोटिस भेजी, जवाब लेकर स्टाफ गया, जवाब पूरा नहीं लिए, पेपर नहीं लिए, और इन्होंने जो है सीधे रिश्वत की मांग की। 8वें महीने ब्लैकमेल कर रहे थे, ऑर्डर करके रखे रहे, मैं उस समय मेदांता में इलाज करा था कोरोना का, कि RC काट दूंगा, मजबूरन इज्जत बचाने के लिए समाज में अपनी इसको रिश्वत दिया, और इसका सच्चाई इसकी सामने लाने के लिए मैंने इसको रिश्वत दिया, इसकी सारी रिकॉर्डिंग की और ब्लैकमेल करके इसने 2 लाख रुपया वसूले हैं, सारी रिकॉर्डिंग में मौजूद है कि आप 1 लाख और दीजिए। तो मेरी तो यही मांग कि इसको तत्काल FIR करके इसको जेल भेजा जाए, इससे बड़े एविडेंस क्या है? अपना ऑर्डर रिवोक किया है, दूसरा ऑर्डर पारित किया है, फर्जी उसमें लिखा है कि मैंने एफिडेविट दिया, मैंने ये बांस की, मैंने ये किया, ना कोई ऑर्डर शीट बनी थी ना कुछ बनी थी, सब फर्जी है, मैंने कोई एफिडेविट नहीं दिया। ऑडियो को मतलब पूर्णतः सत्य नहीं मानते हैं, तो आप कैसे प्रूव कर पाएंगे कि ये ऑडियो पूर्णतः सत्य है? ऐसा नहीं कि ऑडियो कोई एविडेंस नहीं है, ऑडियो लिबोरेटरी में अगर वो कहते हैं कि हमारा नहीं है तो लिबोरेटरी में जाँच ही आएगी उसकी, कि उसकी आवाज़ है कि नहीं, मेरी आवाज़ है कि नहीं, उसमें कटिंग की गई या नहीं की गई, और मेरे द्वारा कोई छेड़छाड़ की गई है, कटिंग की गई है, फर्जी बनाई गई है, तो मैं जेल जाऊंगा। मेरे द्वारा सत्य रखी गई वो इनकार करें, पहले वो इनकार तो करें कि मेरी ऑडियो नहीं है, वो ये तो कहें कि मैंने ऑर्डर नहीं किया है, मैंने अपना ऑर्डर रिवोक नहीं किया है,
भाई आप पेनाल्टी ब्याज लगाकर ब्लैकमेल करेंगे और जब घूस मिल जाएगी तो उसे ख़त्म कर देंगे। मेरा ऑर्डर दूसरा उन्होंने कर दिया, अब मेरा क्या वास्तविक शुल्क है मैंने लिख के दे दिया, मैं जमा करने को तैयार हूँ, आप उतना नहीं जमा कराएंगे मैं हाईकोर्ट में रिट करूँगा। इसके लिए उच्चाधिकारियों को भी आपने पत्र लिखा? हाँ, उच्चाधिकारियों को मैंने लिखा है और मैंने मुख्यमंत्री महोदय को भी लिखा है, मैंने SSP महोदय को भी लिखा है और कल डायरेक्टर्स मेरे बाहर गए हैं, वो आ जा रहे हैं तो बात करके फिर SSP साहब से मिलेंगे कि खिलाफ IR दर्ज करने की बात होगी, इनको बर्खास्त किया जाए। इनका एक मामला था लक्ष्मीकांतम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में, एक निर्माण कार्य करा था तो लेबर सेस के रूप में 1% सेस वसूला जाता है। अब ये मामला 16 से था लेकिन इन्होंने सेस जमा किया नहीं था, यहाँ पर जो फाइल नोटिस जा रही थी। अब इसमें जो है बीच में हमने इसमें लगातार कई नोटिसों में अनुपस्थित रहे तो इसको एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया अनुमानित लागत के आधार पर। फिर ये इन्होंने आकर के अपना रेस्टोरेशन दिया कि बीमारी के आधार बनाते हुए, और ये कि साहब इतना नहीं था कम था और हमारा ज्यादा हो गया है एक्स पार्टी, रेस्टोर किया जा सुनने को, तो नियमानुसार रेस्टोरेशन कर दी गई। रेस्टोरेशन के बाद ये जो है फिर अपना वैल्यूएशन के आधार पर कि साहब हमारा इतना कम है 10 लाख ही है, हमने सेस वहाँ पे जमा किया है अथॉरिटी में, तो हमारे यहाँ ये है कि वहाँ प्रोविजनल होता है जमा, उसका असेसमेंट यहाँ विभाग के ही रूप में होता है कि वास्तविक रूप से जमा है वो पूरा है कम है या ज्यादा है। उसके आधार पर जब ये हुआ तो इन्होंने जो धनराशि अपने को दे रहे थे कि हमारा ये धनराशि ही है और इतने पे ही कर दिया जाए और इस पर दबाव डाल रहे थे, तो हमने कहा नहीं भाई, अभी हमने खुद ही जो सबसे मिनिमम रेट होता है इस ईयर का वर्क का वही लगाया है और इससे कम जो है नहीं होगा, ये PWD का रेट है और शासनादेश का निर्देश है। तो ऑर्डर भी हमने इसमें शासनादेश का उल्लेख करके ही, जो प्रमुख सचिव का है वो करके हमने 19/1/2021 को इसमें ऑर्डर कर दिया है, जिसके अनुसार इनको जो है 17,64,000 रुपये जमा करना था, 3,00,000 केवल 70,000 ही जमा है, 13,94,000 और जमा करने हैं, और ये कह रहे थे कि नहीं केवल हमें जो है लगभग ठीक है 12,00,000 के आसपास ही कर दीजिए, 12.5 लाख कम के नहीं भाई, 1,00,000 और इसमें दीजिए और इसमें जमा करिए, इतना जो है कम नहीं हो सकता। इसी को लेकर के असंतुष्ट हुए, नकल भी ले गए हैं, ऑर्डर कॉपी भी ले गए हैं, और चूंकि इनके मन माफी का आदेश नहीं है इसलिए आरोप लगा। ऑडियो के बारे में क्या कहना है, इसमें बताइए ऑडियो, वही तो हमने कहा कि नहीं इसमें 1,00,000 और जमा होगा, उसी को ये कह रहे हैं कि मांग रहे हैं।